हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल E3। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च और लहसुन का पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक पैन ले, उसे गैस पर रख दे गर्म होने के लिए। जैसे ही पैन गर्म हो जाए तो उसमें छीले हुए लहसुन डाल दें रोस्ट होने के लिए। लहसुन को भूनने में टाइम नहीं लगता, बस 1 से 2 मिनट में ही लहसुन हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, हमें लहसुन को ऐसे चलाते हुए भूनना है। लहसुन भून चुके हैं तो हम इन्हें निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हम उसी पैन में हरी मिर्च को भी भून लेते हैं। ये देखिए, सारी मिर्च पैन में डाल दी है। अब हम इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। हमारी मिर्च भी भूनकर रेडी है तो हम इसे भी निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हमें भुने हुए लहसुन और भुनी हुई हरी मिर्च को पीसना है। इसका हमें थिन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस इसे दरदरा सा पीसना है। आप लहसुन को नमक के साथ अच्छे से पीस लें। जब लहसुन पीस जाए तो उसी में आप हरी मिर्च को भी पीसें। ये देखिए, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी है। अब हम इनका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए एक पैन में ऑयल गरम करें। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालें और उसके साथ ही अजवाइन भी डाल दें। जब अजवाइन और जीरे का कलर चेंज हो जाए तो उसमें पीसे हुए लहसुन और हरी मिर्च डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हल्दी डालें और हल्दी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। अब आप इसमें आमचूर पाउडर डाल दें। आमचूर पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट तक के लिए पकने दें। पराठे की फिलिंग तो रेडी हो गई, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप एक रोटी बेल लें। अब हमें क्या करना है, हमने जो स्टफिंग रेडी की थी वो इस पे थोड़ी सी फैला लेनी है और उसके ऊपर कटे हुए प्याज को भी अच्छे से फैला कर रख देना है। अब हमें इसके साइड्स को फोल्ड कर देना है। पराठों में फिलिंग फैलाते टाइम थोड़ा ध्यान दें कि साइड में स्पेस छोड़ दें, क्योंकि हमें वहीं से सबको फोल्ड करना है। ये देखिए, हमने पराठे को चारों साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे बेल लेते हैं जिससे कि सारी फिलिंग अच्छे से पराठों में फैल जाए। पराठा अच्छे से बेल चुका है, अब हम इसे गरम तवे पर सेक लेते हैं। पराठे को आप अच्छे से दोनों साइड से घी लगाकर सेकें और बस हमारा पराठा रेडी है। इसे आप दही या सब्जी किसी के साथ भी खाएं। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।